मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित होने के बाद कांग्रेस को अब नए कलेवर में लाने का प्रयास दिल्ली दरबार की तरफ से हुआ। उम्रदराज नेताओं को साइड करते हुए युवाओं को कमान सौंपने का प्रयोग पार्टी ने यहां शुरू किया। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे का यह प्रयोग अब यहां पर कामयाब नहीं दिखता, क्यों यह भी आपको बताएंगे। जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आगे भुगतना पड़ सकता है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आप हमारी एक रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान जब से जीतू पटवारी ने संभाली है, वो खुलकर पार्टी का पक्ष मजबूती से हर मंच पर रखते नजर आते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी सत्ता पक्ष के खिलाफ खुलकर मैदान में। कांग्रेस आलाकमान की भी यही मंशा थी कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का नेतृत्व युवाओं के हाथों में रहे, जो पार्टी में नया जोश और जज्बा पैदा करे। लेकिन पार्टी में दल बदल की लगातार घटनाओं ने युवाओं के जोश को भी ठंडा कर दिया। यही वजह रही कि जीतू पटवारी विरोध की आशंका में महीनों के कार्यकाल के बावजूद अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। पीढ़ी परिवर्तन होता है किसी भी राजनीतिक दल में, तो थोड़ा समय उसको डेवलप करने में लगता है। कांग्रेस पार्टी के युवा नेतृत्व से भाजपा घबराया हुआ है, तो उपचुनाव को ले लें। लगातार जनसैलाब युवाओं का उमड़ रहा है, तो किसी को भी दरकिनार नहीं किया जा रहा है। सभी वरिष्ठ नेतृत्व हमारे साथ मिलकर सबको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में ऐतिहासिक रूप से गुटबाजी हावी रही है। पार्टी कई धड़ों में बटी रही, जिसकी बानगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के तौर पर देखने को मिली और कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ये जो कांग्रेस में लड़ाई चल रही वयोवृद्ध नेताओं और युवा नेताओं में, ये चरम पर एक दूसरे को निपटाने का खेल जारी है। बड़े लंबे समय बाद तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के युग की समाप्ति हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी का युग भी ज़्यादा नहीं चल पाएगा और वापस उन्हीं का युग आएगा। तो कांग्रेस भले युवाओं की कितनी भी बात कर लें, यहाँ मठाधीशों का ही राज चलता है और मठाधीश ही राज करेंगे। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जलवा था, कांग्रेस सत्ता में थी, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह जैसे नेता प्रदेश को संभाला करते थे, देश की सियासत में भी नेताओं की तूती बोलती थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ कांग्रेस का मध्य प्रदेश में ढलान शुरू हुआ। कमलनाथ के 15 महीनों के वक्त को छोड़ दें तो बीते दो दशक से बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर काबिज है और इसका तोड़ कांग्रेस अब तक निकाल नहीं पाई। जानकार मानते हैं कि ऐसे में सिर्फ पीढ़ीगत बदलाव से कुछ नहीं होगा, नेताओं को निजी हितों को परे रखकर पार्टी हित में सोचना शुरू करना होगा। दुष्यंत पाराशर, IBC 24, भोपाल।